नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत करुछी मु अफिन आशुतोष। बढ़िला कोविड चिंता, देशर विभिन्न राज्य में बढ़ुछ संक्रमण। कोविड मुकाबला तथा टीकाकरण नहीं मुख्यमंत्री मानंक सह कथा हेबे प्रधानमंत्री। 17 तारीख में दिन 12:30 आलोचना करिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देश में कोरोना स्थिति नहीं कथा हेबे प्रधानमंत्री। राजधानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी टीम भुवनेश्वर में पहुंची। 5 जणिया एनएसजी टीम अच्छा दुईजना वरिष्ठ अधिकारी। एही टीम आसंता श्रीलिंगराज मंदिर में करे मॉक ड्रिल। जरूरी परिस्थितिर मुकाबला आवश्यक पदक्षेप किपर निने कौशल प्रदर्शन करीम। एनएसजी टीम को सहायता कमिशनरेट पुलिस पक्ष प्रस्तुति प्राय शेष हो। श्रीलिंगराज मंदिर में मॉक ड्रिल पर कोणार्क और पुरी जीव टीम। 17 तारीख में कोणार्क मंदिर और 18 तारीख में श्रीमंदिर सुरक्षा जांच कर एनएसजी। ओडिशा पुलिस सह मिसि एसबु स्थान में मॉक ड्रिल करा जीव। अपराध मुक्त राजधानी पर आउपदे आगेला कमिशनरेट पुलिस। एथर बस्ती और गलिकंदी पुलिस राखी। एथिपाई जारी होईछि पुलिस व्हाट्सएप नंबर। केवल भुवनेश्वरवासी यह नंबर व्यवहार करें। कौन स्थान में अपराध कार्यकलाप देखिले से ही नंबर में फोन कर व्हाट्सएप करने को अनुरोध कर भुवनेश्वर डीसीपी। आपणक अंचल बढ़ुच कि अपराध अपराधी गतिविधि रही दिन दीप्रहर में लुटेरा माति नडरी पुलिस की दिंतु खबर। कमिशनरेट पुलिस जारी कला व्हाट्सएप नंबर। अपराध मुक्त राजधानी पाई आउ पादे आगे कमिशनरेट पुलिस। एथर बस्ती और गलिकंदी पुलिस आखि एथिपाई जारी होई पुलिस व्हाट्सएप नंबर। नंबर टी 7077799111। केवल राजधानी बासिंदा यह नंबर सुविधा पाई फोन कल नुहे यही नंबर रे व्हाट्सएप रे मेसेज करने को अनुरोध करछती भुवनेश्वर डीसीपी। आमे गोटे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर गोटे जारी करूँ जनसाधारण केवल भुवनेश्वर पर भुवनेश्वर यूपी जनसाधारण व्हाट्सएप नंबर जारी करूँ। आपण मानक जदि कौन ग्रीभांस अच्छी ये स्ट्रीट क्राइम सम्मुखीन होती थाना कम्प्लेन करार असुविधा हो किंबा आपण केस्र स्टाटस विषय जानवर अच्छा एथे कल संभव हम ना कल आम उठेबू ना आपण एथिरे व्हाट्सएप माध्यम रे आमको जणाइले आमे आपणको आपणकर सहयोग नबु एवं आपणको जदि ग्रीभांस थिबा आमे आपणको रिप्लाई देबु। राजधानी को अपराध मुक्त करबा को किछि दिन हेलेनी स्पेशल ड्राइव करूची कमिश्नरेट पुलिस। गत 3 दिन रे गिरफ हेलेनी 25 जण अपराधी। जबत होईची बंदूक मोबाइल गाड़ी सह मारणास्त्र। आगो को मध्य ए ड्राइव जोरदार करबा उपरे गुरुत्व देछि पुलिस। सेपटे पुलिस रही योजना को स्वागत करछंती राजधानी बासिंदा। हमर स्पेशल स्क्वाड डीसीपी ऑफिस रे एवं ओटे स्पेल सेल कराई छी प्रॉपर्टी ऑफेंस सेल ओटे कराई छी जोथरे के हमर बेले बेले 2-3टा थाना रा स्पेशल स्क्वाड मिसिकी जाउ छंती रेड करबा को ओटे टीम एफर्ट रे काम हो छी जहा द्वारा पाखा पाखी 25 जण अक्यूज अरेस्ट हे छंती पाखा पाखी 30 टी मोबाइल सी जई छी। लोकों सुरक्षा पाई पुलिस रो ए पदक्षेप नुआ नुहे। गत वर्ष महिला सुरक्षा नहीं एक हेल्पलाइन नंबर जारी करथिला कमिश्नरेट पुलिस। तेबे किछि दिन पर एही नंबर स्विच ऑफ। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुश्री सुलोचना नायक दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया। स्थगित रहिला बीएमसी रो होल्डिंग टिकस वृद्धि एणिकी पुरुणा दर रे आदाय हेबो होल्डिंग टिकस। हाईकोर्ट को राय न आसीबा जाय पुरुणा दर रे आदाय हेबो बोली कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री। सेपटे भुवनेश्वर रे होल्डिंग टिकस आदाय को विरोध करी बीएमसी ऑफिस घेराव करिछि कांग्रेस। बहु वाद विवाद आंदोलन एवं विरोध परे स्थगित रहिला बीएमसी रो होल्डिंग टिकस वृद्धि एणिकी पुरुणा दर रे आदाय हेबो होल्डिंग टिकस। हाईकोर्ट को राय न आसीबा जाए पुरुणा दर रे आदाय हेबो बोली कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना। पर्यंत माननीय हाईकोर्ट ए संपर्क रे कोनोसी शेष निष्पत्ति न देइचंती से पर्यंत होल्डिंग टैक्स वर्धित को स्थगित रखा गला। सेपटे भुवनेश्वर रे होल्डिंग टिकस आदाय को विरोध करी सोमवार बीएमसी ऑफिस घेराव करथिला कांग्रेस। भुवनेश्वर जिला कांग्रेस पक्षरु कांग्रेस नेता एवं कर्मी माने बीएमसी ऑफिस आगरे विक्षोभ करिथिले। प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति निरंजन पटनायक वरिष्ठ विधायक सुरेश राउतराय समेत बहु नेता आंदोलन में सामिल होइथिले।
बीएमसी पक्षर वर्धित होल्डिंग टिकस आदाय बंद बोली दल दाबी करथिला। आंदोलन बेले बीएमसी ऑफिस भितर को धसई पशिथिले कांग्रेस नेता एवं कर्मी। यहाँ नहीं किसी समय पर बीएमसी ऑफिस परिसर में उत्तेजनामूलक स्थिति सृष्टि होइथिला। कांग्रेस दल तरफ छात्र कांग्रेस युवक कांग्रेस वृद्धा कांग्रेस महिला कांग्रेस समस्त कार्य बीएमसी बकेया पड़ी होल्डिंग टिकस 2021 90 कोटी टंकार टिकस आदाय हेबार टार्गेट रही बेले वर्तमान सुधा आदाय होइछि मात्र 20 कोटी। से भली 2018-19 45 कोटी टार्गेट थिबा बेले आदाय होइथिला मात्र 39 कोटी। आउ 2019-20 रे 60 कोटी रु मात्र 43 कोटी टंका आदाय होइथिला। चलित वर्ष वर्धित टैक्स को नहीं आरंभरु लोकंक असंतोष देखा दैथिला। भुवनेश्वरु महेश प्रसाद नंद एवं दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया। कटक सहरर विकास पर राज्य सरकार पूर्वर घोषणा कर प्रकल्पगुड़िकर काम जारी रही बेले वर्तमान सहर पर आउ किछि नुआ प्रकल्प बाबदरे सूचना देछंती नगर उन्नयन मंत्री। एक क्रम सहरे तारका होटेल प्रतिष्ठा चलित बर्ष शेष सुधा प्रति घर को पीवा पानी पाई पाइप संजोग भली अनेक प्रकल्प बाबदरे कहिछंती मंत्री, जहाँ को नहीं खुशी प्रकाश करिछंती सहरवासी। कटक रे चलीथिबा विकास कार्य जोगो गत किछि मास होला सहर रे नूतनता स्पष्ट बारी होई पडुछि। एहा भितरे रहिछि एससीबी रो संप्रसारण ओ तालदंडा केनाल रास्ता रो संप्रसारण। तबे एहा व्यतीत सहर पई आउ किछि नुवा कार्यक्रम बाबदरे सूचना दैछंती नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना। एहा मध्ये रहिछि सहर रे तारका होटल प्रतिष्ठा अत्याधुनिक विवाह मंडप बा कन्वेंशन सेंटर प्रतिटी घर को चलित वर्ष शेष सुधा पीबा पानी संजोग इत्यादि। एहा छडा एससीबी को एम्स प्लस करबा पई निया जाइछि निष्पत्ति। एही कार्यक्रम रो प्रथम दफा रे सेठारे 21 महला विशिष्ट अट्टालिका खूब शीघ्र अनेक गुड़े ट्रांसफर्मेसन आम करने प्लां करा सहित कटक सहर से कटक सहरवासी को स्वच्छ पीवा पा समस्त घरे घरे हाउस कनेक्शन दे कि पाइप जोगे समस्त घर को पीवा पा जोगेदेपी आम से कम आरंभ कर चलित बर्ष शेष सुधा 100% कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो जहाँ भी पीवा पा समस्या थिला से समाधान हम। तेबे कटक सहर रे चलीथिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य रे सुफल मिलिबा आरंभ होईछि, किंतु ट्रैफिक समस्या वर्तमान भी रहिछि। जदि एपरि किछि नुवा कार्यक्रम सरकार हाथ को नेबे ताहाले सहर रे अनेक समस्या दूर होई परिबो बोली कहिछन्ती सहरवासी। सेबडे प्रतिश्रुति कार्य रे परिणत हेबा आवश्यक बोली कहिछन्ती बारबाटी विधायक। केनाल काम वर्तमान बहुत जोर से चलीछि, जायका काम बहुत जोर चलीछि, रोड काम सब बहुत जोर चलीछि, आउ डेवलपमेंट काम चलीछि। ट्रैफिक समस्या टिके रहूछि कटक रे बहुत, जेतु रोड काम हे गेला परे ट्रैफिक भी समस्या दूर है, बहुत शीघ्र दूर है। मु अनुरोध करी जे जो विकास कथा दुआई दूसरी प्राक्टिकाली ग्राउंड जीरो से जिनस है ना, बहुत दिन है कटक सहरवासी स्वप्न देखी जैका आज पद स्वप्न पूरण हो पारिना, बारंबार कथार कथा रही जा तेणु तुरंत पदक्षेप नहीं सरकार कटक सहर को जहाँ प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति पालन करूँ और जो कम आरंभ कर शेष करूँ अधारे डेरी करूँ ना। तेबे सहरर ड्रेनेज समस्या दूर पई आरंभ होइतिबा जायका प्रकल्प कार्य को चलित वर्ष सुधा शेष करबाकु राज्य सरकार को पक्षरु पूर्व घोषणा होइछि। एहा उपरे वर्तमान सहरवासी को नजर। कटकरु नवेश महंती न्यूज 18 ओडिया। बिहार तीर्थयात्री को सहयोग कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। समस्तीपुर महाप्रभु दर्शन पर आसीथिबा एही तीर्थयात्री माने गाड़ी खराब होइजिबारु विलंबित राति रे केन्दुझर एक जंगल निकट में फसी जाइथिले। एने सूचना पाई तुरंत सेमानक पई सहयोग करबा पई पदक्षेप नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सेथिपई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को ट्वीट कर धन्यवाद जणाइछन्ती बिहार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तांकर एही सहयोग बिहारवासी सबुबेले मन रखिबे बोली कहिछन्ती तारकिशोर। महाप्रभु निकट में केन्द्रमंत्री मंगल कामना करिछन्ती तारकिशोर। वर्तमान समय हो जाइछि एक ब्रेक रो। छोट छोट पिला सोमवार एभली घटना कटक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें देखा मिली। एससीबी रोड संप्रसारण में उच्छेद होता तालदंडार केनाल पाख बस्तीर छोट छोट पिला विक्षोभ में बसते पुलिस और सीडब्ल्यूसी विरोध कर। सोमवार एभली घटना देखा मिलता कटक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें।
एससीबी रोड संप्रसारण में उच्छेद होता तालदंडा केनाल पाख बस्ती में छोट छोट पिला विक्षोभ में बसी जहाँ विभिन्न महल में प्रश्न उठू टाण खरारे छोट पाठाक आसवाक बाध्य कला किए एम धारण में बसवार अधिकार अच्छी कि एने जिला प्रशासन पुलिस को खबर दि जाइला कि छोट पा आसी तार छोट पा आसवर कारण हूँ गार्डियन माने आनी कारण तांकर भिटामाटी जीव तांकर जीविका जीव तांकर पिलांक पाठपढ़ा जीव से माने आसी ये बस्ती आउ साई भितर झगड़ा लगेबो चेष्टा करचंदी जोठी साई राजी नो सेठ नै कि बस्ती पुरैबो चेष्टा करचंदी माने भारत भारत भितर झगड़ा लगेबो चेष्टा करचंदी इंडिया रो पिला पाठपढ़िए भारत पिला पाठपढ़िबे नै पिला माने धारणा रे बसीथिबा जानि सारिबा पोरे सीडब्ल्यूसी रो कर्मचारी पहुचिथिले दाबी पूर्ण पई जो माने पिलांकु एठा क्वाणिथिले से मानक विरोध रे कार्यनुष्ठान निया जाउ बोली कहिछंती चाइल्ड लाइन रो सदस्य से मानकर जहा दाबी अछि से माने अथॉरिटी देखा करंतु किंतु पिलांकु रास्ता पर बसै गिरि जे टाइप रो होहला करबा सेटा हि परबो पिलांकु ए जो खरा होउछि खरा रे रास्ता पर बसै जानि को माने आनि के आछन आमे से मानक नाम बर्तन लेखि नबु से माने रे आमे एलिगेशन करबु थाना रे जे से माने को अधिकार रे पिलांकु आनि कि इदि बसै जानि दाबी पूरण पई विक्षोभ साधारण लोकों अधिकार यहाँ कई क्षुण्ण करे ना किंतु विक्षोभ करने को जा छोट पा व्यवहार करने के दूर यथार्थ कटकु देवाशीष धल न्यूज 18 ओडिया। पाखरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथापि पाणीपाई लोके डहल विकल एभली अभियोग ब्रह्मपुर उपकंठ जगदलपुर सामना को आसी गाँवें पानी जल समस्या उत्कट थिबा बेले प्लांट्रु ग्रामवासी को पानी मिलू नथिबारु लोकों भितर बढ़ुछि असंतोष एने लोकों राजरास्ता को ओल्हाइबा सहित टायर जाले विक्षोभ करबाकु पड़िछि हातरे गरा माठिया धरी राजरास्तारे ग्रामवासी अभियोग पाखरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थाई भी मिलूनी पीवा पानी ए दृश्य होउछि ब्रह्मपुर उपकंठ जगदलपुर जोठी जगदलपुर समेत छटी गाँवर लोके एकाठी होई आंदोलन को ओल्हाइछंती लोकंक अभियोग जगदलपुर रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थाई भी स्थानीय लोके पीवा पानी पई नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती एने प्लांट सम्मुखरे टायर जाली रास्ता रोक सह शीघ्र पानी जगाइबा पई लोके दाबी करछंती पानी ये पाखरे थी आमको पा मिलूने सरपंच कहले बेले तुम कौन आम कौन भोट दे कि तुमको आम पा देवु बोली कहले गाँ गाँ को पाइप मिली आम गाँव में पाइप ना पा मतलब पीवा को अवस्था आम गाँव में जानेबिली पा प्रकल्प अच्छे कि आम पा टोपाड़ी पाइपार ना पोखर नहीं पा पीऊ सरपंच को कहले सरपंच ए कि शुणुना आश्वासना कि पा पंद्रह दिन भितर आमको पा जोगाई आश्वासना देखते कि लिखित आकार देना जो पर्यटन लिखित आकार देना आम धारणा उठबू ना जिला प्रशासन रो अधिकारी लोकों को बुझा सुझा करने समस्या रा समाधान करा जल जोगाण टेंडर शेष पर्यायर पहुंची बेले पंद्रह दिन मध्य चुक्ति होगापर काम आरंभ हो अस्थायी भाव आसंता सात दिन मध्य जगदलपुर गाँव को पा जोगाण व्यवस्था कर ग्राम्य जल जोगाण विभाग कार्यनिर्वाही अधिकारी जगदलपुर ये गाँव जो प्रोजेक्ट जानबिलु गाँव को पा देवा कथा सेटा आम अलरेडी डीपीआर कर गवर्नमेंट को पठाई थूँ जून मस रे एक कोटी तेल टाइम सांसन होती जेहतु कोटे टाँप प्रोजेक्ट तरह विभिन्न प्रकार सांसन थाए और सब सांसन सरी अलरेडी आम टेंडर डाकी टेंडर फाइनाल स्टेज अच्छी आउ मात्र पंद्रह दिन भितर एग्रीमेंट हम और कम आरंभ हम सात दिन मध्य पापी प्रतिश्रुति मिला पूरण न आगामी दिन में जोरदार आंदोलन करने को चेतावनी ग्रामवासी ब्रह्मपुर जगदलपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया। कोरोना संक्रमण कमिबा परे धीरे धीरे स्वाभाविक हेलाणी जीवन यात्रा विपद पूरा पूरी टळिनी तथापि सतर्कतार सह खोलिलाणी पर्यटन स्थल खरा बढ़ुथुबारु वर्तमान समस्तंकर आकर्षण पलटिछि पुरीर वंडर वाटर वर्ल्ड पार्क जेउठी पिलाठु बुढ़ा समस्ते नेउछन्ति आनंद अस्तव्यस्त कलाणी खरा दिन दसटा परे घरु बाहरिबा मुश्किल एभरी समय रे समस्तंक आकर्षण पलटिछि पुरी माळती पाटपुरर वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क खरादिन ही वाटर पार्क में जल क्रीड़ार भरपूर मजा ने पर्यटक केवल जल क्रीड़ा कहीं एठिकार सुंदर दृश्य भी मन मोहुछि इको रिट्रीट ढांचार प्रस्तुत यह पार्क रही किड्स फैमिली वे पुल रेन डांस और डिस्को डांस भी मजा नौ पर्यटक
ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହ ଟେଷ୍ଟି ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ରେସ୍ତୋରାଁ। ବାଗଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ ଲୋକେସନ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟଠୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଇଡ଼ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବି ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଖାଇଲୁ ଆମେ, ଖାଇବାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଫୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ୱାଟର ପାର୍କରେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଥିପାଇଁ 20 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଜଳାଶୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲିବ ଜିମ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାର୍କ। ଲୋକେ ଯେମିତି ବିଦେଶର ୱାଟର ପାର୍କ ଭଳି ମଜା ନେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ୱାଟର ପାର୍କ ଜିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାଟର ପାର୍କର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଆଡ୍ କରୁଛୁ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରଖିଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲିଛୁ, ଏଠି ଡକ୍ଟର ବି ସ୍ପେଶାଲ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଆମର ଆଗକୁ ଯୋଜନା ହେଲା ଯେ ୱଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡର ୱେଲକମ୍ ସିଟି କରିବୁ, ସେଟା ହେଲା ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପାର୍କ ଆଉ ଜିମ୍ ପାର୍କ, ହେଲ୍ଥ ଭିଲା, ବୋଟିଂ, ବୋଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହିସବୁ କରିବା ବି ଆମର ବହୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଲୋକେ ଠିକ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୱାଟର ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଖୁସି ଖବର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ପଜିଟିଭ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କରୋନା ବିପଦ ଯାଇନି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହି ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 7ଟି ବ୍ଲକରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ନେଗେଟିଭ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏନେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସତର୍କତା ସହିତ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିକି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ ପୁଣି ଫେରିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,246 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 5,221 ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ 25 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଏବେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ, ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସେ ବହୁତ ସେଫ୍ ଅଛି, ସେକ୍ୟୁର ଅଛି, କିଛି ତା'ର କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଅନ୍ନେସେସରୀ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ମୌତ ମୌତ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରେ ନା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ମାନି ଚାଲିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୈନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ତେଣୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି, ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଏମ୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ 2ଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯେପରି ନ ବିଗିଡ଼େ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କହିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18।